रणवीर जी लाइक्स टू बी द विक्टिम, मेन लाइक हिम आर लाइक दैट। तो अगर कोई औरत आपसे दब नहीं रही है तो उसे आप वैम्प बना दो। आप करे तो तमीज, हम करे तो बदतमीजी। डिनर अनाउंस हो गया एंड दैट्स माय मोमेंट, बट आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग जस्ट कम, नोबडी केम, बट द ओनली पर्सन हु मैटर्ड, द ओनली पीपल हु मैटर्ड टू मी वाज माय मॉम एंड माय सिस्टर एंड दे केम। नेवी ही इज अनलकी आपकी मैरिज की खबर सुन के। ही इज द हैप्पीएस्ट फॉर मी, ट्रस्ट मी, मैंने ट्रॉफी उठाई, ही इज द हैप्पीएस्ट। कल को मैं शादी भी करूंगी, ही बी द हैप्पीएस्ट। आर यू गेटिंग मैरिड एनी टाइम सून? ऑफ कोर्स आई विल गेट मैरिड एनी टाइम सून, यस। मैरिज इज ऑन द हैंड फॉर श्योर एंड आई वॉन्ट टू समिट अप ऑन दिस नोट। लगा था नेजी जीतेंगे, लोग मेरे अगेंस्ट थे, सब दे वर नॉट अग्रीइंग, दे वर नॉट अप्रूविंग। जनता का प्यार, मुझे बहुत प्यार मिला एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो टच, लाइक सी आई एम सो ब्लेस्ड। और ट्रॉफी घर आई है, सो या ट्रॉफी टीवी इंडस्ट्री में आई है। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड बबल, आई एम आकृति बागला एंड टुडे आई एम विद समवन जिसको ना बिग बॉस OTT3 के घर में यू कैन लव हर हेट हर बट कांट इग्नोर हर, सना मकबूल। फॉर श्योर सना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो हाउ वाज दैट मोमेंट व्हेन यू हेल्ड दैट ट्रॉफी ऑफ बिग बॉस OTT? आई थिंक दैट मोमेंट वाज आई विश्ड फॉर इट, आई ड्रीम फॉर इट, आई वांटेड इट। सो या आई थिंक जब जो चीज आप चाहते हो वो चीज आपको मिल जाती है। तो मेरे लिए ना, मतलब जब मेरा नाम अनाउंस हुआ, मैं स्टिल अनिल कपूर को देख रही थी, मैंने पूछा इज इट ट्रू, लाइक आई कुडंट बिलीव, बिकॉज मुझे लगा था नेजी जीतेंगे, क्योंकि यू नो इतना लोग मेरे अगेंस्ट थे, सब दे वर नॉट अग्रीइंग, दे वर नॉट अप्रूविंग, को कंटेस्टेंट आई एम टॉकिंग अबाउट, बट अगेन जनता का प्यार, मुझे बहुत प्यार मिला एंड आई एम सो हैप्पी एंड आई एम सो टच, लाइक सी आई एम सो ब्लेस्ड कि जनता ने मुझे प्यार दिया, मुझे विनर बनाया, उसके लिए आई एम रियली ब्लेस्ड। तो मैं ये सबको कह रही हूँ कि ये हम सबकी जीत है, आपकी, मेरी, हम सबकी जीत। बट डिड यू सॉ योर सेलिब्रिटी फ्रेंड्स आल्सो सपोर्टेड यू आउटसाइड? ऑफ कोर्स आई डिड, आई स्पोक टू एवरीबॉडी एंड आई, मैं बहुत प्राउडली इस चीज को बोलती हूँ कि टीवी की लड़की हूँ, टीवी इंडस्ट्री ने अगर सपोर्ट किया है तो इट्स अ बिग थिंग। और ट्रॉफी घर आई है, सो या ट्रॉफी टीवी इंडस्ट्री में आई है। बट सना यू नो व्हेन यू वॉन, देयर वाज दिस क्लिप गोइंग वायरल कि कोई आपसे आके मिला नहीं ऑन द स्टेज, नो वन कंग्रेचुलेटेड यू, व्हाट वाज द ट्रुथ टू इट? आई थिंक दे वर इंस्ट्रक्टेड बिकॉज़ दे वांटेड टू कैप्चर द मोमेंट, तो मुझे ऐसा लगता है कि बट मोमेंट वो एक, मुझे ऐसा लगा कि एक मिनट का होता है जब आप विनर अनाउंस हो गया, दैट्स माय मोमेंट, बट आफ्टर दैट आई एम कॉलिंग जस्ट कम, नोबडी केम, बट द ओनली पर्सन हु मैटर्ड, द ओनली पीपल हु मैटर्ड टू मी वाज माय मॉम एंड माय सिस्टर एंड दे केम। सो आई थिंक बाकी सब मेरे लिए मैटर नहीं करता एंड मुझे चाहिए था विशाल शिवानी और लवकेश आए और मेरे साथ वो ट्रॉफी लिफ्ट करे, क्योंकि हम सबका वो था कि हम अपने आप को बोलते थे कि अरे टॉप फोर। सो या आई वॉन्टेड दैट, बट आई थिंक ब्रिंगिंग लाइट टू दैट थिंग, मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो, बट मैंने भी ये कहीं सुना कि दे हैव सेड कि दे वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू गेट अप बिकॉज़ दे वांटेड टू कैप्चर देम एंड आई थिंक साई की गर्लफ्रेंड ने ट्विटर पे डाला था वो चीज़, तो अब उसमें कितनी सच्चाई है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, बट मैंने भी वो चीज़ पढ़ी है, सो आई डोंट नो। बट डिड यू लाइक द फैक्ट, यू नो जस्ट नाउ यू आल्सो सेड साई की गर्लफ्रेंड, शी सेड कि अरे सना का, यू नो सना आपकी जर्नी जितनी हमने एज व्यूअर देखी है ना, यू आर अ स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल एंड यू आर ऑन योर ओन पाथ, आपका ये था मुझे जो करना है मैं करूँगी, बट स्टिल पीपल टैग कि अरे उनका जीतना यानी जनता का, सेलिब्रिटीज का सपोर्ट एंड इट वॉज हर PR स्ट्रैटेजी, डज इट पिंच यू कि नो यार, आई मीन आई वॉज इन द गेम, आई नो वट आई हैव डन एंड स्टिल पीपल टैग? अगेन मैं बोलूँगी कि बात उन्हीं में होती है जिनकी बात होती है, जिनमें बात होती है, आई विल करेक्ट माई फ्रेज, बात उन्हीं की होती है जिनमें बात होती है। तो जब मैं घुसी थी डे वन से, मेरा विजन और मेरा फोकस बहुत क्लियर था, मैं यहाँ पे ट्रॉफी जीतने आई हूँ, मुझे जीतना है। मुझे ऐसे लगते हैं कि रिश्ते 3 महीने वाला अगर ये शो होता तो शायद मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता, बट ये 1 महीना था तो मुझे ऐसा था कि यहाँ पे रिश्ते नहीं बनते, दोस्ती होगी बट वो प्रोसेस स्लो होगा, बट डे वन से फ्रेंड्स नहीं बन सकते, राइट? किसी किसी का वाइब मैच करता है, किसी किसी का वाइब मैच नहीं करता, तो मेरी जर्नी में भी वो अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। बट रही बात आप कह रहे हो PR स्ट्रैटेजी बोलो या दोस्त बोलो या ये बोलो, तो ये प्यार है, ये सबका प्यार है, दिस इज द लव दैट आई हैव रिसीव्ड ओवर द इयर्स। मेरी टीवी इंडस्ट्री का प्यार बोलो या मेरे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स का प्यार बोलो या मेरे PR का प्यार बोलो या मेरी जनता का प्यार बोलो, दे ऑल हैव लव्ड मी एंड दैट्स व्हाई आई होल्ड द ट्रॉफी। सो
अब कोई कुछ भी बोले, doesn't matter, the winner has already been announced. But you know, when you came out, I think Big Boss में ना सबसे ज़्यादा झगड़ा हुआ किचन में और खाने को लेके. What was that one thing your mom made for you now? घर के हाथ का खाना is the everything, and I think the दाल चावल भिंडी. I miss my bhindi. So yeah, I had दाल चावल रोटी भिंडी की सब्जी. That was bliss. पर सच में इतनी खाने की कमी थी घर में जितना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता था यार. देखो क्या है ना, मैं वैसे ही बहुत कम खाती हूँ. किसी किसी की एपेटाइट बहुत होती है, किसी किसी की एपेटाइट कम होती है, बट वो आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. एक जो न्यूट्रिशनल डाइट होना चाहिए, वो डाइट आपको मिलता है, वेदर इट्स फ्रॉम सब्जी और वेदर इट्स नॉन वेज आइटम, आपको वो चीज़ मिलती है. अब हम इंसान का कैसा होता है ना, पेट भर जाए लेकिन मन ना भरे. तो बस वो थोड़ा खाओ, अच्छे से रहो, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑल अबाउट. बट वही हमारी एपेटाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है. तो बट नहीं, बट खाने पीने में वो बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं. हाँ, कटौती होती है, दूध कम हो जाता है, शक्कर खत्म हो जाता है, चाय खत्म हो जाता है, किस दिन गैस भी कट जाता है. बट या, बट यू नो सना, अगेन यू आर वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड इक्वेशन was with Mr. Ranveer Shori. I want to know, do you think, and you know, even last year Big Boss 16 mein Tina Dutta went to Big Boss and she was a strong-headed personality and ghar walon ne unko vote out kar diya tha, right? She said ki yaar, agar aap ek strong aur opinionated woman hote ho na, to Big Boss mein people try to suppress you, people make sure ki aap nikal jao. Kahin na kahin you think ki Ranveer and Arman also, for that matter Sai also, in that matter I would like to add Sai also. And somewhere thoda bahut mujhe Deepak ji bhi lagte hain. Okay, to yes, ye hota hai, ye mere sath hua hai. They cornered me and how I slowly agar wo unko laga ki hum Sana ko nahi hata sakte, to unhone mere friends ko hataya. They left me all alone, but still I would say I'm an alpha woman. The crown never falls, no matter what. But do you think these are such men who, because agar aap dekhoge na, Ranveer ji and ya Arman ji bhi, they kept women around like Kritika ko rakha, Shivani ko, jo unki sun rahe the. Shivani ko kabhi nahi rakha, Shivani bhi unke sunne mein se nahi thi, but Shivani, dekho, she is young. Yeah. To uska idhar se udhar wo ho jati thi. But that's her. Yeah. Young hai. Ab main matured hoon. Yeah. Main bahut strongly opinionated hoon. तो मुझे स्लिप करना वो, एंड आई एम नॉट समबडी टू टेम, सॉरी. बट आर दे दैट कंट्रोलिंग मैन, क्योंकि आपने घर पे? यस ऑफ कोर्स दे आर कंट्रोलिंग मैन, मुझे ऐसा लगा. बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक, अगर कोई औरत आपसे दब नहीं रही है तो उसे आप वैम्प बना दो, उसके बारे में आप बिचिंग करो, गॉसिप करो. वो चल के भी जा रही है तो आप उसके बारे में गलत बोल रहे हो, आप अच्छा कुछ बोल ही नहीं रहे हो. मैंने एक इंसिडेंट हुआ था, शिवानी वाज रियली टेकन अबैक कि राशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, एंड शी वाज नॉट लाइकिंग इट बिकॉज शी इज यंग, यू नो. मैंने सिर्फ रणवीर जी को एज अ ह्यूमन मैंने बोला था, ही इज नॉट माई फेवरेट, ट्रस्ट मी, बट एज अ ह्यूमन मैंने बोला कि रणवीर जी, क्योंकि उसको वो बात खटक रही थी कि मैं खाना पूछ रही हूँ भैया को, वो सब्जी नहीं खा रहे मुझसे. वो उनका ईगो था कि उनको हमारे इसमें से कुछ लेना नहीं था. बट एक ह्यूमन नेचर, मैंने सोचा कि मे बी वो एक चम्मच खाने से इस लड़की को खुशी मिलेगी, तो आई विल डू दैट. मैंने जाके उनको बोला, रणवीर जी आप प्लीज उससे एक चम्मच ले लेना, उसको खुशी मिलेगी. ही स्टिल फेल्ट दैट आई वाज डूइंग ड्रामा, परहैप्स नॉट. मुझे वीकेंड के वार पे भी उसी सेम चीज पे क्वेश्चन किया कि व्हाई डू यू हैव टू डू दैट, वो रणवीर और शिवानी का मैटर है, और व्हाई विल आई नॉट डू इट. अगर किसी को उस चीज से खुशी मिल रही है तो व्हाई विल आई नॉट डू इट, टेल मी दैट. Exactly. I felt that was the right move to do at that moment, and I did it, and I don't regret it. मुझे इसलिए वीकेंड के वार पे जब बोला भी, तो मैंने बोला ठीक है, मे बी नेक्स्ट टाइम मैं किसी के मुद्दे पे बोलूंगी नहीं. मुद्दा तो था ही नहीं, इट वॉज जस्ट अ ह्यूमन, यू नो, नेचर. एक आपका नेचर, बिकॉज़ लाइक आई सेड, मेरा नेचर नहीं, आई वाज जस्ट बीइंग ट्रू टू माय सेल्फ. मुझे वो चीज खटकी, मुझे वो चीज बुरी लगी, तो मैंने जाके, एंड आई वाज द ओनली वन टू कॉल रणवीर जी, बिकॉज़ इट वाज रियली अफेक्टिंग शिवानी. एंड आई वेंट अप टू रणवीर जी एंड आई सेड, रणवीर जी प्लीज वो शिवानी से आके फिर बात करो. मैंने मैटर भी नहीं बोला था, अगर मुझे बात इधर की उधर करनी होती तो मैं शायद मैटर बोलती. मैंने कहा एक बार आप उससे बात कर लो, इट्स समथिंग इज अफेक्टिंग हर. मैंने ऐसे आके उनको कन्वे किया, और फिर वो बाहर आए, बाहर आए, वो मुझे पूछे बताना क्या हुआ, बताना क्या हुआ, this is his tonality towards me, batana kya hua, like very rudely he talks to me, but anyways that's him. maine fir bolne ka nahi, she's missing her father, she sees you like a father figure, so just talk to her, try to calm her down. ab shivani ne unko bataya nahi, unko bola nahi, wo shivani ka call hai, but mera aisa tha ki that will give shivani that mental peace, why not. fir wo same cheez ho gayi, next day again usko wo cheez khatki, wo bichari bimar ho gayi.
उसके बाद अगेन मैंने सोचा कि चलो मेरे बोलने से अगर ये एक चम्मच खा लेते हैं तो वाई नॉट। रणवीर जी एक चम्मच आप ले लेना ना, वो सब्जी बना रही है, बस ले लेना, वो खुश हो जाएगी। उसमें भी उसने बोला आई एम ट्राइंग टू बी टू स्वीट, सो एनीथिंग आई डू वॉज अगेंस्ट मी फॉर हिम। या ऑन दिस नोट, जब आपने यू नो एक टास्क के दौरान व्हेन यू पिक्ड अप हिज फन पॉइंट, उन्होंने उस बात को बहुत उछल के घर में, आई विल यूज दीस वर्ड्स प्लीज, कि बताया कि अरे हाउ कैन सन आई ब्रिंग माय सन इन बिटवीन, वो ऐसे कैसे बोल सकती है मेरी पर्सनल लाइफ। अगेन आई नेवर सेड एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हिज सन, दैट्स व्हाट आई वाज कमिंग ऑन। लेकिन जब वो आपके लिए गटर छाप या गंदी नाली का वो मैंने बोला था गंदी, या जब ऐसे वर्ड्स यूज हो रहे थे तब उन्होंने स्टैंड नहीं लिया कि अरे मैं गलत हूं, भी मुझे दिखाया, हां दैट्स व्हाट, उन्होंने कुछ एक्शंस किए व्हिच वर नॉट राइट, बट घर में भी किसी ने उस बात को एक मतलब बोलते ना बहुत कन्वीनिएंटली इग्नोर किया, ये स्टैंड क्यों किया इग्नोर, बिकॉज़ रणवीर जी लाइक्स टू बी द विक्टिम, ही लाइक्स टू बी द विक्टिम, मेन लाइक हिम आर लाइक दैट। आई और आप देखोगे उस सिचुएशन में मैंने उन्हें दो टर्म बोले थे, मैंने कहा मेन लाइक यू आर नार्सिसिस्ट, या यू सेड दैट, एंड आई सेड यू आर वेरी मीन शॉविनिस्ट, यू कैन नॉट, और मैंने बोला, मैंने कहा एक नारी सब पे भारी, एंड आई एम अ पर्सन लाइक दैट, आई एम सॉरी, मैंने कहा मैं स्ट्रांग हूँ इसीलिए आप मुझे बोल रहे हो, एंड आई फील दैट एंड आई बाय दैट, लाइक लेजिट लोग ने मुझे कॉर्नर पे कॉर्नर करते गए, उन्होंने फिनाले में बोला है कि मैं माफिया हटा रहा हूँ। Sorry to cut you, but even ये point भी उनका गलत था कि you may date Vishal outside, या even आपके और Navy के friendship पे he was like कि you know, no, एक, Vishal never took it in a right way and even I did not, but मेरा ऐसा था कि मेरे को विशाल को पता है what's the reality, that's what I'm telling, and I will tell you I love that boy, but my love towards that boy is like he's very pure friend, वही मैं बोलूँ ना, मतलब आप करो तो दोस्ती और दूसरे करो तो love angle, that's what I was asking, same चीज़ ना, आप करे तो तमीज, हम करें तो बदतमीजी, बट इज इट ऑल्सो ट्रू कि वो घर में है नॉट ओनली विद यू, जैसे कृतिका शिवानी देवर आई थिंक कहीं ना कहीं शिवानी से भी वो बहुत रूडली बात करते बात थे, करते बट थे, वो कृतिका से रूडली बात नहीं करते थे, कृतिका को भी कभी कभार स्नैप करते थे, बट वो द वे ही उनकी एक टोनैलिटी होती थी जब वो हमसे बात करते थे वो उधर नहीं होती थी, बट वो स्नैपिंग जरूर करते, उन्होंने कृतिका के साथ भी किया, बट उसको फिर वो घुमा के बोलते गोलो मैं तेरे को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, गोलो मैं तेरे को ऐसे नहीं बोल रहा, तो वो बात को घुमा देते थे, बट वो अगेन नो हम वो सर्कल में बैठते नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं बैठते थे, तो और मेरा उस घर में इशू यही था कि एवरी कॉइन हैज टू साइड्स ऑफ स्टोरी, एग्जैक्टली, डोंट बाय द वन साइड, कम एंड स्पीक टू मी, exactly, मेरा बस ये पॉइंट। डू यू ऑल्सो थिंक वो भी एक रीजन था, रणवीर जी यूज टू सम टाइम और दी अदर ब्रेन वॉश भी करते थे नेवी को, नॉट ओनली रणवीर बट दैट होल ग्रुप की, यू नो टाइम आएगा तो सना तुझे छोड़ देगी, बहुत बोला यार छोड़ो, मतलब मैं हैट्स ऑफ करती हूँ मेरे दोस्तों को, कि दे स्टूड बाय मी, नेजी अगेन व्हाई आई लाइक दैट बॉय, व्हाई आई रिस्पेक्ट दैट बॉय इज बिकॉज पीपल ट्राइड एंड ट्राइड एंड ट्राइड, मुझे और नेजी को पता है व्हाट वी हैव, मुझे और विशाल को पता है व्हाट वी हैव, मुझे और लवकेश को पता है व्हाट वी हैव, मुझे और शिवानी को पता है व्हाट वी हैव, राइट, so it doesn't matter for me, I'm past, like ho gaya mera, to bahar jo unhone bola ki you know he feels unlucky aapki marriage ki khabar sunke, Navy, are nahi wo aisa nahi, wo Navy ke dimag mein exactly know wo kya soch raha tha, but yeah no nothing like that, he's happy, but wo question of course public platform pe aaya to maybe usne usko acche se nahi liya, mujhe aisa lagta hai, but मुझे पता है वो ऐसा रिएक्शन उसने क्यों दिया, तो नॉट दैट उसको अच्छा नहीं लगा, ऐसा कुछ नहीं, ही इज द हैप्पीएस्ट फॉर मी, ट्रस्ट मी, मैंने ट्रॉफी उठाई, ही इज द हैप्पीएस्ट, कल को मैं शादी भी करूंगी, ही विल बी द हैप्पीएस्ट, यू नो सना वन मोर थिंग, सिंस यू वर क्लोज टू लवकेश एंड विशाल, टू इंस्टेंसेस, वही द भैया भाग्यशाली एंड द स्लैप इंसिडेंट, अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि लवकेश ने बहुत कन्वीनियंटली दोस्ती निभाई विशाल से, मैंने ना अभी तक एपिसोड देखा नहीं है, और मुझे मैं वो सिचुएशन में प्रेजेंट भी नहीं थी, इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ मी टू कॉमेंट ऑन दैट, भैया भाग्यशाली वाले इसमें, मतलब स्लैपिंग इंसिडेंट ऑन अरमान थिंग, ऑफकोर्स हमें ना बताया गया था वीकेंड के बाद में पायल आके चीज बोल के गई थी, तो हमने उस पर रिएक्ट किया था, तो बस अगेन अब मैंने पूरा शो देखा नहीं है कि वो गलत दिखा सही दिखा, बट थप्पड़ मारना इज रॉन्ग आई फेल, बट अगेन एज आई विल से कि वो सिचुएशन वैसी थी कि मेरा भी कल को कोई अपना होता तो शायद हाथ उठा देता, बट उनकी फ्रेंडशिप क्या सच में कन्वीनियंस वाली थी, नहीं उनका वाइब एक डे वन से मैच था और डे एंड तक उनका वाइब मैच था, यस हम एक गेम शो में थे जो दोनों को पता था, तो वो इलेक्शन वाले टास्क में अगर दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जाना था तो वो गए, यू नो फना इवन पायल मिसकोटेड विशाल, एंड इवन व्हेन वी इंटरव्यूड विशाल उन्होंने कहा कि ये तीनों ही ना मतलब काफी फेक बिहेव करते हैं घर में भी, एंड
जो भी है, मतलब घर में दे दे क्वाइट एग्जैजरेट थिंग्स अननेसेसरी थिंग. पायल का फेक बिहेव करना, बिकॉज पायल बहुत कम टाइम के लिए हमारे साथ टाइम स्पेंड किया. वो कृतिका निर्माण समवेयर वो झगड़ते भी थे, वो स्वीट भी बन जाते थे, तो वो बिहेवियर पैटर्न मुझे समझ में. अब जैसे मैं वैसी नहीं, मुझे नहीं पसंद तो मैं हट जाती थी. मैं बैठी ही नहीं. मेरा डे वन से मुझे साई केतन पसंद नहीं था, मैं हट गई. आई नेवर स्पोकन टू हिम नाइसली बिकॉज आई डिड नॉट लाइक हिम. रणवीर जी से मेरी स्टार्टिंग में बात होती थी, उसके बाद नहीं बनी, मैं हट गई. और मान जी दो हफ्ते मेरे से इतना बातें वार्तालाप करते थे, बट द मोमेंट आई फाइंड समथिंग ऑफ अबाउट हिम, मैं हट गई. आई मे टॉक टू देम ओके ओके, बट नहीं, ज्यादा नहीं. तो ना यू नो आपने ऑफ की बात की, वॉज दैट द टाइम वेन यू क्वेश्चन्ड हिम अबाउट पायल, यू नो, डूइंग एन अदर? नो, आई थिंक दिस अरमान जी गोइंग ऑफ वॉज आफ्टर द स्लैप इंसिडेंट, मुझे ऐसा लगता है. You know, last week, Sana, a lot of talk is, I know, आपको effect कर रहा है नहीं, I don't know, but are you getting married anytime soon? Of course, I will get married anytime soon. Yes, marriage is on the hand for sure, and I want to sum it up on this note. Obviously, we are waiting for you to announce it officially. Of course, I will. You know, last week, Sana, one more thing I connected you with you was, आपने यू नो अपने लिप्स के बारे में एक बात कही थी. रणवीर जी आई थिंक वहाँ पे भी ही बिकेम अ बिट मीन की फेक पाउट कर रही है. रणवीर जी ना स्टार्टिंग मेरे लिप्स का बहुत मजाक उड़ाते थे कि फेक पाउट. मैंने उसको बहुत प्राउडली लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता. मैं बहुत हंसती हंस के चीजें निकाली. कुछ भी मुझे बोला, मुझे गटर छाप बोला हंस के निकाला, मुझे नागिन बोला हंस के निकाला, मुझे गिरगिट बोला हंस के, मेंढक बोला हंस के निकाला मुझे, दिस ओके. बट वो चीज मेरे इस पे पॉइंट करना, मेरे दिल पे वो स्कार है और वो हमेशा रहेगा. व्हाट आई वाज आस्किंग दैट डज दैट स्कार स्टिल इफेक्ट यू, बिकॉज़ आई विल टेल यू आई वाज अ पिग्मी को पिगमेंटेशंस का इशू एंड पीपल स्टिल कमेंट ऑन इट एंड इट आई नो हाउ इट फील. आई नो हाउ डज इट फील, इट पिंचेस योर हार्ट, बट नाउ आई हैव बिकम दैट स्ट्रांग वेयर आई प्राउडली फ्लॉन्ट इट एंड आई से इट्स माय बर्थमार्क. Thank you so much. Thank you so much. Lovely talking to you. To meet you again. Yes. Thank you. Hi guys, this is Sana Maqbool and you're watching me in Bollywood Bubble.